हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है आप लोगों के साथ, जो है 100% भी मैच हो सकती है और कुछ परसेंट भी, जितना मैच होता है उतना ही लें, ठीक है? टाइम की लिमिट नहीं होती, जब आपके सामने पॉपअप होगी तभी आपके लिए मैसेज होगा। तो ये करंटली जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है देखने की कोशिश करेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस आपके पार्टनर का, या इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स जिनके लिए लव की फीलिंग, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे वो आपके एक्स हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके ऑलरेडी हस्बैंड हैं, ठीक है, या आप सेपरेशन में हो, या आप जिससे भी प्यार अनुभव करते हो, जिसको भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उसी के लिए ही मैसेज आपको मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, कि जिसके लिए वो सोचते हैं, दिल से प्यार अनुभव करते हैं, वो इंसान उनको लेकर क्या सोचता है। आज हम इसके बाद रोमांस एंजल से भी मैसेज लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या चल रहा है उनकी करंटली लव लाइफ में। ओके, देखिए डेविल का कार्ड आया है, जो मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी इस रिलेशनशिप में, मतलब आपको लगता है कि आप ना, मतलब जैसे आपको सामने से कोई चीज़ नज़र आ रही है लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपको लेट गो करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको जो है अपनी प्रायोरिटी में ना रखना, और शायद कभी भी आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी में नहीं थे, मतलब आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो आपको सामने से एक रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप उनको, आप उन पे, मतलब आप फिर भी अपने पार्टनर को लेके ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, फिर भी आप सारा दिन उसके लिए सोचते रहते हैं कि वहाँ से कोई कॉल मैसेज आए, वहाँ से उस इंसान से कोई बात हो, जैसे आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, मतलब चाहे ये आपको लग रहा है कि ये इंसान आपका कार्मिक है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ज़्यादा जो है टफ टाइम ही जो है देखा है, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, आगे मैं देखने की कोशिश करूंगी, अभी तक जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जिन लोगों के लिए मिल रहा है, वही अपने साथ रेजोनेट करें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सबका ही रिलेशनशिप ऐसा है, अभी जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ये मिल रहा है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ये जो डेविल का कार्ड इस तरह से रेजोनेट होगा कि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर पे किसी ने कुछ किया है, और ये बहुत लोगों के साथ जो है ये रेजोनेट होगा कि उनके पार्टनर को किसी एनर्जी, किसी ब्लैक एनर्जी के द्वारा उनसे अलग किया गया है, या उन तक आने के लिए रोक दिया गया है, ठीक है जी? ओके, एक और कार्ड आया, पॉपअप हुआ, 9 of Swords। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा इस चीज़ को चला रहे हैं कि आप, मतलब आपको हेडेक हो रहा है, आप एंजाइटी है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है। प्लीज डिवाइन यहाँ बताएं मुझे, 9 of Swords क्यों आया है, 9 of Swords क्यों आया है? आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन बताएं, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। 9 of Swords, 9 of Swords क्यों आया है? ओके, दो कार्ड 9 of Swords को क्लैरिफाई किया है, द सन ने और 4 of Cups ने, मतलब आप एक ना, जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रपोजल नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप मतलब एक तरह से आपको कभी प्यार नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप इस प्यार में ही इतने स्टक अपने आप को क्यों महसूस करते हो, कि और कोई अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ में और जो सनशाइन है, जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, आप उनकी तरफ नहीं अपने ध्यान को रख पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इसी रिश्ते में ही एक, जैसे कहते नहीं कि एक बंध के रह गए हो, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और बताएं भगवान जी, ये तो अभी मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ, देख लो आपसे मैच करती है तो आप देखें, नहीं तो फिर आप ये रीडिंग स्किप कर दें। प्लीज़ डिवाइन बताएं ये आपकी एनर्जी है आपकी लव लाइफ में, और चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है जी? और चलिए अब आपके पार्टनर का देख लेते हैं वो क्या सोच रहा है।
प्लीज डिवाइन बताएं करंटली जो मेरे व्यूअर्स का लव पार्टनर जिसके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है। प्लीज डिवाइन कार्ड दें। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। ओके, दो कार्ड पॉप अप हुए, हेरोफेंट और जजमेंट। ओके, हेरोफेंट और जजमेंट का कार्ड दोनों इकट्ठे आके मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये इंसान जो है चाहता है कि आपसे शादी करे, आपके साथ रहे, आपके साथ जो है एक आपको एक क्लियरेंस दे, आपके साथ टाइम बिताए। ये उन पलों को भी याद करता है, वो इंसान करंटली बहुत ज़्यादा याद कर रहा है जो आपने हैप्पीली मोमेंट्स जो साथ बिताए हैं इस टाइम के दौरान। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों की फैमिली डिफरेंसेस हैं या आप लोगों में कह लो मॉनेटरी या ज्योग्राफिकली डिफरेंसेस के कारण जो है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। चाहता बहुत कुछ है इस रिश्ते के लिए करना और फिर जब नहीं कर पाता तो अपने आप भी काफ़ी सोचता है, काफ़ी रात को ज़्यादा आपको सोचता है और सोचते सोचते इसके मन में काफ़ी एक तरह से एक रिग्रेट की भावना भी होती है। कभी कभी ये भगवान से डरता है, इसके साथ कुछ बुरा होता है, इसको लगता है आपके साथ फेयर नहीं कर पा रहा हूँ इसी वजह से ऐसा हो रहा है, कभी ये ऐसे सोचता है आपका पार्टनर। ठीक है, यहाँ जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आके ये भी दिखा रहा है कि आप जो है अपने रिश्ते को सरेंडर कर दें भगवान पे और भगवान बहुत ही अच्छा कोई ना कोई अंजाम निकालेगा इस रिश्ते का। ठीक है, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के, मतलब आपके पार्टनर ने भी इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया भगवान पे। ठीक है, प्रेयर्स कर रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा कि आपके साथ फेयर कर पाए। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हो सकता है इसकी इसने बाउंड्री सेट कर रखी, हो सकता है इसकी अपनी सिचुएशन है, ये कोई ऐसी फैमिली से है जहाँ पे काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या फिर इसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी स्टिकनेस में हुई है, फैमिली ऐसी है जो काफ़ी स्टिक है। ठीक है, उनके रूल रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा, या फिर मैरिड हो सकता है तो किसी ना किसी तरह की जो है कंडीशनिंग है इस इंसान पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है कि आपके साथ फेयर करे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फेयर है, आपके लिए काफ़ी लव फीलिंग रख रहा है, पैशनेट हो रहा है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए कि उनके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, बताएं मेरे व्यूअर्स। ओके, पेज ऑफ कॉइंस। देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको कोई किसी तरह का भी ना जेस्चर जो है, जो एक क्लियर जेस्चर होता है, वो नहीं शो किया आज तक इसने इस रिश्ते में। चीज़ों को एक लटका के रखा या हाइड करा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको लगता है कि कभी भी ये इंसान मैच्योरली इस रिश्ते के लिए कभी कोई बोल्ड एक्शन या फिर कभी ना कभी कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लिया इसने। प्लीज़ डिवाइन बताएं। लेकिन ये हो सकता है ये पार्टनर जो है थोड़ा इमेच्योर भी है या एज में छोटा हो सकता है या आप छोटे हो सकते हैं। देखिए डेथ। ओके, देखिए डेथ का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस इंसान को लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं इस रिश्ते में जो उसके द्वारा गलत हुई हैं और उसको उसमें ठीक करना है। ठीक है ना, जैसा कि पहले ही मैंने बोला कि जजमेंट का और हेरोफेंट का कार्ड मुझे आके ये दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है कि आपके साथ अच्छा कर पाए, इस रिश्ते को एक रिकनसाइल कर पाए। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो भी ये आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, इस मरे हुए रिश्ते को भी जिंदा कर पाए। कुछ लोगों के केसेस में बिल्कुल नो कांटेक्ट है या फिर काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, या बात हुई भी है तो ये इंसान कभी आपको ब्लॉक कभी अनब्लॉक, इस टाइप की सिचुएशन है। तो इस इंसान को लगता है कि जो मैं फेयर नहीं कर पाया मुझे वो चीज़ें फेयर करनी है, अगर रिकनसाइल करना है तो रिकनसाइल करना है। अगर इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस रहे हैं तो मुझे उनको ठीक करना है और बहुत ज़्यादा ये प्रेयर कर रहा है उस डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन बताएं और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लव पार्टनर के मन में या वो क्या सोचता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। द स्टार, देखिए बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है मतलब इसको इस चीज़ का वेट हो रहा है कि कब जो है जो हमारे सितारे हैं, जो हमारे जो एक प्यार मतलब एक जो गर्दिश में जो सितारे चल रहे हैं वो कब ठीक होंगे। ठीक
ठीक है। तो ये स्टार का कार्ड आके हमें एक होप भी दे रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेयर भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बड़ी, जैसे कहते नहीं कि इसको लगता है कि आप अगर इसको मिल गए तो इसकी एक कंप्लीशन जो है महसूस कर रहा है, मतलब एक इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है ये इंसान, ठीक है। जो इसने जो चीज़ें ये नहीं कर पाया इस रिश्ते में वो चीज़ें ये करना चाह रहा है। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ कॉइन्स, देखिए टू ऑफ कॉइन्स आके ये बता रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ साथ इसकी लाइफ में हमेशा से ही रहा है इस रिश्ते में, कि ये इंसान आपको किसी और चीज़ के साथ हमेशा जो है तुलना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि ये डाइवर्ट रहा है, चाहे अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको आपके आपका रिश्ता जो है मतलब एक मतलब खुद को ये दोराहे पे पाया है इस इंसान ने इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कभी भी ये पूरी तरह, जैसे एक होता है ना एक इंडिविजुअली किसी चीज़ को एक डिसीजन ले पाना, वो नहीं ले पाया ये। जब भी आपके लिए कोई डिसीजन तो इसको कोई दूसरी सोच आके कैप्चर कर लेती है, चाहे वो अपने घर की पाबंदियों को सोचता है, चाहे अपने घर की, मतलब एक तरह से बोल्डली जो है ये आपकी तरफ कोई स्टेप अभी तक नहीं ले पाया। भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में करंटली क्या सोचता है, वो क्या सोच रहा है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे अभी हम, प्लीज़ डिवाइन बताएं ये इंसान की, करंटली ये इंसान आपको मिस कर रहा है और आपसे कोलैबोरेट होने की जो है सोच रहा है, इसको आपको मिलना है और आपको जो है इस रिश्ते को एक नया रूप देना है। ओके, देखिए जैसे ही मैंने नया रूप कहा तो सन का कार्ड आ गया, तो ये इंसान आपसे मिलना चाहता है और जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको ठीक करना चाह रहा है, या जो गलतियां हुई हैं अगर ये उनको ठीक नहीं कर पा रहा है, अगर जो आप चाहते हैं ये नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रेयर करता हुआ भगवान से मुझे करंटली नज़र आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट एक्शन के लिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनका। नेक्स्ट एक्शन, ओके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा भगवान जी बताइए। देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया, ये इंसान नेक्स्ट एक्शन अगर मैं इसका कहूँ तो आपके लिए पैशनेट तो है, अपने अंदर स्ट्रेंथ भी डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में आपको चला रहा है, बहुत सोच रहा है आपको कि मुझे जो है इस प्यार में आगे बढ़ना है, इसको रिकनसाइल करना है, अपनी गलतियों को रिकवर करना है, ठीक है, जो मैंने इसमें गलतियां की हैं, और कुछ ना कुछ ये डिवाइन से भी हेल्प मांग रहा है कि आप मुझे चीज़ों को जो है इस रिश्ते में ठीक करो। तो एक्शन जो है इसका यही है कि ये आपके लिए पैशनेट हो रहा है, चाहता है कि ये आपके साथ अपना पैशन आपको शो कर पाए। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पेंटिकल्स है, मुझे कभी कभी याद आ जाता है, बता देती हूँ साइन, कभी कभी नहीं याद आता, सॉरी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वॉन्ड्स हैं, तो एरीज लियो सैजिटेरियस कप्स यहाँ पे बहुत ही कम नज़र आए हैं, ठीक है। अभी ये इंसान जो करंटली अगर हम इसकी देखें ना, आपके साथ इमोशनल तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को सोच रहा है, उन गलतियों को ठीक करने की सोच रहा है, और कुछ चीज़ें इसके हाथ में नहीं है इस रिश्ते में ठीक करनी, तो डिवाइन से प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। आप कोई इस तरह की शख्सियत, आप या आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, क्योंकि हो सकता है आप लोग कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो, ऐसी जैसे कहते हैं नहीं कि पब्लिक फिगर भी आप हो सकते हैं, कि आपको बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, कि क्योंकि जो जो लोग जितने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना चर्चित, तो उनके फैसले उतने ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो फैसला एकदम से भाव में बैक कर नहीं ले सकते, उनको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जैसे वो कहते हैं ना बड़े लोगों के दुख भी बड़े ही होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं पता यहाँ कौन बड़े लोग हैं या कौन जो है इस रीडिंग तक पहुँचा है, लेकिन आपका आप कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, अब सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका काफ़ी जो है नेम और फेम हो सकता है, ठीक है जी, आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, तो वो जो है वो चीज़ जो है इसकी वो इस रिश्ते में फैसला लेने में
और भी ज़्यादा जो है टफ साबित हो रही है। ठीक है जी, तो ये था आपके आपकी रीडिंग के करंटली आपका पार्टनर इस रिश्ते में क्या सोच रहा है। अब हम ये रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ रोमांस एंजल से हमें क्या मैसेज मिलता है मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए। चलो आ गया तो हम ले ही लेते हैं। ओके ओके चिल्ड्रन, कुछ लोगों के केस में यहाँ योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लाइफ हो सकता है आप लोग आप जिससे डील कर रहे हैं ऑलरेडी उसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, बच्चे हैं यहाँ इन्वॉल्व। यहाँ मैं देख रही हूँ हो सकता है आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो स्पेशली, या आपके पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेट, वैसे भी पेट पे नजर गई ना, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल तो है लेकिन इसकी प्रायोरिटीज जो हैं कुछ और भी हैं जिनको ये ज़्यादा दिल से सोचता है। मतलब आपके लिए प्यार तो है लेकिन जो प्यार ज़्यादा है ना, जो जो दिखाना है वो अपने बच्चों की तरफ। यहाँ पे ये देखो सिग्निफिकेंट होगा, स्पेसिफिक होगा, किसी के लिए होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा। ये नहीं कि किसी एक के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो इंसान प्यार आपसे भी करता है लेकिन प्रायोरिटी पे उसके बच्चे या उसकी फैमिली या कोई चीज़ है। और क्या मैसेज देंगे भगवान जी रोमांस एंजल से, देखते हैं और क्या मैसेज आता है मेरे व्यूअर्स के लव वन की तरफ से। ओके फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ आप कहते हैं ना एक एनालाइज करना चाहते हैं, कुछ आप जज करना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, या फिर किसी को अपनी लाइफ में रोक के रखना चाहते हैं, आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फॉरगिव करना पड़ेगा। क्या फॉरगिव करना पड़ेगा कि जो आपने, जो आपको लगता है कि इन लोगों ने आपके साथ फेयर नहीं किया, चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे कोई पार्टनर की लाइफ में कोई और है, तो आप उनको दिल से फॉरगिव करें। आप अपने पार्टनर को भी फॉरगिव करें और सबसे पहले फॉरगिव खुद को करें। कई बार क्या होता है, देखो हम औरों को सोच ही जा रहे हैं वो क्या सोच रहा है ये वो, लेकिन खुद के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले आप खुद को माफ़ करें, फिर अपनी सिचुएशंस को और उनसे जुड़े हुए लोगों को अपने दिल से माफ़ करें, ताकि आप आगे जो है जीवन में सीख सकें, आप कुछ ऐसे बन सकें जो लोग आपको याद करें। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके देखिए आपको कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ये करेंगे रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे तो आप हील महसूस होगा, आपको आपको हीलिंग मिलेगी। यू एक्सपीरियंस मोर लव, आप और ज़्यादा प्यार जो है अपनी प्रेजेंट मोमेंट्स में अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की क्या चल रहा है करंटली आपकी लव लाइफ में। एक मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है मैं आपके लिए कोर इस रोमांस एंजल में से निकालूं, आपके लिए कार्ड क्या आता है। एक एंजल्स प्लीज बताएं आप मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या, इनको एक गाइडेंस के तौर पर क्या देना चाहेंगे, गाइडेंस के तौर पे क्या कहना चाहेंगे। ये गाइडेंस ही थी वैसे अब तक, फिर भी और देख लेता हूँ। एक कार्ड लूँगी, एक कार्ड दें भगवान जी। ओके फाइनेंसेस एंड करियर। ओके देखिए आपको हो सकता है, देखो ये कार्ड मुझे आके ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लव लाइफ को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं फाइनेंशियल इशूज़ आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे राइज कर जाते हैं, या आपका करियर अच्छा होता है, या आप अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, या फिर जो आप टाइम अपनी लव लाइफ को सोचने में, एनालिसिस करने में टाइम जो है बेकार कर रहे हैं, वो आपको अपने करियर पे लगाना चाहिए, अपने फाइनेंस पे लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ एंजल आपको कह रहे हैं फाइनेंशियल इशूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, कि ये जो आप, अगर आप अपनी फाइनेंशियल और करियर जो है आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो ये एक प्लस फैक्टर होगा, ये एक प्लस जो है साइन होगा आपकी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो आप अपनी फाइनेंशियल और करियर ओरिएंटेड बने ताकि आपकी लव लाइफ भी
उसका देखो दो कारण है। एक तो क्या है, कहते हैं ना हर चमकती चीज दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब आप अपने करियर में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा शाइन कर रहे होते हैं तो कोई अगर आपसे दूर भी जाना चाहे ना, फिर भी आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है, जो आपकी सक्सेस का, वो दूसरे बंदे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। और एक चीज इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपने फाइनेंस और करियर पे ज्यादा ओरिएंटेड होंगे तो आपकी लव लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप वहां से ध्यान हटा लेंगे अपना। कहते हैं ना जिस चीज के भागो वो, जिस चीज के पीछे भागो वो चीजें आगे भागती हैं, क्योंकि वहां पे हम एनर्जी दे रहे होते हैं लैक ऑफ की, कि हमारे पास वो चीज नहीं है, भीख मांग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं उसके पीछे। तो कई बार हम अपना फोकस वहां से हटा के अगर अपने करियर और फाइनेंस पे लगाएंगे, एक तो देखो कहते हैं ना एक पंथ दो काज हो जाएंगे, कि आप फाइनेंशियली राइज कर जाएंगे, आप अपने करियर में राइज कर जाएंगे, और उधर से प्यार भी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। और फिर चाहे आप कितने भी प्यार प्यूर जो भी बातें कर लो, लेकिन वही रोटी कपड़ा मकान तो एक जरूरी चीजें है ही ना, तो वो आपके पास पैसे और करियर से ही आती हैं। तो और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, तो वो आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो इसलिए आप अपने फाइनेंस और करियर पे काम करें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ना लें।